शूट करने के लिए, और पूरा खर्चा पानी सब कुछ हमारा खुद का है। इसका पहाड़ चढ़ के आया, मतलब ट्रैकिंग से कम नहीं है ये सच में। तो अब इस चीज के लिए पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटा भी बजाना है, कॉमेंट करना ना भूलिए। हाँ। हेलो पीपल एंड वेलकम टू आर नर्डी चैनल। वैसे तो हम लोग हर बार आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक्स लेके आते हैं, लेकिन आज हम जिस गेम के बारे में बात करने वाले हैं, हो सकता है आप सभी को उसके बारे में पता हो बट उसके पीछे की हिस्ट्री ना पता हो। बहुत ही नॉर्मल और सिंपल सी गेम है जिसका नाम है स्नेक्स एंड लैडर। वैसे तो सांप तो हम सबकी जिंदगी में बहुत सारे हैं, लेकिन सीढ़ी बहुत कम मिलती है हम लोगों को। अब ऐसा ही एक सांप बैठा हुआ है जो जाके डिसलाइक करेगा। तो आप लोग जाइए और जाकर वीडियो देखिए, और तब तक हम अपना गेम खत्म करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये जो बोर्ड गेम्स खेलते हैं, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए थे और इनको बनाया किसने था? जैसे कि अभी हम सांप सीढ़ी खेल रहे थे ना, तो इसकी भी एक हिस्ट्री है। अब वो इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग, ये तो आप वीडियो के एंड तक ही बता सकते हैं। ये सांप सीढ़ी का गेम ओरिजिनेट हुआ था एक एंशियंट इंडियन एजुकेटिव गेम ज्ञान चौपाल से, जिसका मतलब होता है द गेम ऑफ नॉलेज। इस गेम को हम लोग शुरू से सांप सीढ़ी नहीं बुलाते थे, इसका नाम पहले था मोक्षपथ या मोक्षपत्ती। बिल, ये गेम इन्वेंट किसने करी थी ये तो अब तक भी किसी को नहीं पता, बट माना जाता है कि ये जो गेम है सेकेंड सेंचुरी में इन्वेंट हुई थी। बट कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि ये गेम 13 सेंचुरी में स्वामी ज्ञान ने इन्वेंट करी थी। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, एंड इस गेम में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं फ्रॉम एंशियंट पीरियड टिल नाउ। तो अब बात करते हैं इस गेम के एंशियंट इंडियन वर्जन की, जिसमें अराउंड 72 to 300 स्क्वायर्स होते थे, एंड जिसमें स्नेक्स वर द सिंबल्स ऑफ विकेडनेस एंड लैडर्स वर द सिंबल्स ऑफ मॉरल एक्टिविटीज। तो बेसिकली इस गेम का गोल ये रहता था कि चाहे आप 100 बार सांप से कट जाओ, बट यू हैव टू रीच द स्टेज ऑफ एनलाइटमेंट इन कॉरस्पॉन्डिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। एंड ओरिजिनल गेम में नंबर ऑफ स्नेक्स हमेशा ज्यादा होते थे नंबर ऑफ लैडर्स पे। उस टाइम पे ये सांप सीढ़ी का बोर्ड एक क्लोथ पे पेंट होके खेला जाता था, एंड जिसके अंदर टोकन यूज होते थे वो आईवीरी के मेड अप होते थे। 1832 के अराउंड कैप्टन हेनरी ने इस गेम को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को दोबारा प्रेजेंट करके इसका नामकरण कराया था एज शास्त्रीज गेम ऑफ हेवन एंड हेल। एंड 128 स्क्वायर का ये ज्ञान चौपार बोर्ड अभी भी आप लोगों को वहाँ देखने को मिल सकता है। सबसे पुराना ज्ञान चौपार बोर्ड अभी तक सिर्फ ब्रिटिश लाइब्रेरी में ही मिला है, ओरिजिनली इन द कलेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर रिचर्ड जॉनसन। वेल, ये बोर्ड गेम पेटेंट है। 1892 में फेडरिक हेनरी आयरिस, एक फेमस टॉय मेकर लंदन का, वो था जिसने इस गेम को पेटेंट किया था। अलग अलग कंट्रीज ने इस गेम के अलग अलग वर्जन निकाल दिए, एंड विक्टोरियन वर्जन में इसमें किस्मत बोर्ड इंक्लूड कर दिया था, पर अब वो बोर्ड आपको सिर्फ विक्टोरियन एंड एल्बर्ट म्यूजियम में एक आर्टिफैक्ट की तरह सजा हुआ दिखेगा लोगों के देखने के लिए। इस गेम के कई और भी वर्जन बने थे, जैसे वर्चू रिवॉर्डेड, वाइस पनिश एंड द न्यू गेम ऑफ ह्यूमन लाइफ। यूएस में मिल्टन रैडली ने इस गेम को चूथ एंड लैडर नाम से इंट्रोड्यूस किया था, बट अब और सारे देशों में इस गेम को स्नेक एंड लैडर नाम से जाना जाता है। तो अब पता चला कि इस गेम का नाम स्नेक्स एंड लैडर कितने ड्रामों के बाद पड़ा है। वैसे अगर पुराने टाइम जैसा अभी भी ये गेम खेला जाता ना, तो हम लोगों को असल में सांप बुला पाते। यू नो व्हाट आई मीन।